हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा जो है वो करने वाले हैं। आज है 12 जून और आज झारखंड के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उन करंट अफेयर्स के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। एक्चुअली आज जो है करंट अफेयर्स नहीं है, तो आज हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। आज हम लोग अप्रैल मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है वो करने वाले हैं। आप सभी को पहले भी बताया गया था, झारखंड एक बहुत ही छोटा राज्य है, यहाँ पे डेली करंट अफेयर नहीं बनते हैं। आज करंट अफेयर नहीं है, जिससे आज हम लोग इस क्लास में करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करें। तो आज हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे और झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स के बारे में रिवीजन जो है वो करने वाले हैं। अप्रैल महीने के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। और अगर आप लोग इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम पे आसानी से विजिट करके डेली आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी चीजें मिल जाएगी, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करें और टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो हाल ही में झारखंड के किस जिले में राज्य स्तरीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? राज्य स्तरीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन यानी झारखंड स्टेट फिल्म फेस्टिवल कहां पे? तो झारखंड स्टेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है वो 23 अप्रैल को किया गया था धनबाद में। कहां पे? धनबाद में। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा, धनबाद। धनबाद में 23 अप्रैल को झारखंड स्टेट लेवल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था और इसमें जो भी फिल्म जो है वो अच्छी रही है उसे 2 लाख का पुरस्कार भी दिया गया था। साथ ही साथ किसके द्वारा? चित्रपट झारखंड, चित्रपट झारखंड के द्वारा। ये जो झारखंड स्टेट लेवल फिल्म फेस्टिवल है इसका आयोजन जो है वो 23 अप्रैल को धनबाद में किया गया था, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को याद रखेंगे, 23 अप्रैल को धनबाद में चित्रपट झारखंड के द्वारा झारखंड स्टेट लेवल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। फिल्म फेस्टिवल एक्चुअली होता क्या है? तो फिल्म फेस्टिवल में जो भी फिल्म जो है अच्छी रहती है, जो भी उस फिल्म के एक्टर रहते हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है उन लोगों को सम्मानित किया जाता है, ठीक है। चलिए वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में झारखंड राजस्व विभाग को शराब से कितने रुपए का राजस्व जो है वो प्राप्त हुआ है? बात किया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो झारखंड का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, राजस्व विभाग है, उन्होंने 2054 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो केवल शराब से ही जनरेट किया है। यानी शराब से 2054 करोड़ का जो राजस्व है, रेवेन्यू है, वो झारखंड के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मिला है। आप सोच सकते हैं कि लगभग झारखंड के लोगों ने 4000 करोड़ का शराब जो है वो पिया होगा। 4000 करोड़ का जब शराब पिया होगा तो 2000 करोड़ तो झारखंड सरकार को टैक्स के रूप में मिल गया, बाकी शराब के ट्रेवलिंग कॉस्ट, शराब का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो कंपनी शराब बनाती है वो कुछ प्रॉफिट कमाती है। तो लगभग जो है 4000 करोड़ का जो शराब है अकेले झारखंड के लोगों ने एक साल में पी लिया। और सबसे ज्यादा, अब तक का सबसे ज्यादा किसी भी वर्ष एक साल में कभी भी झारखंड को शराब से इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है। 2022-23 में झारखंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को 2054 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो जनरेट हुआ था। तो इसके बारे में आपको बताया गया था, आप ये देख सकते हैं झारखंड के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को 2054 करोड़ जो है वो रेवेन्यू मिला है, ठीक है। चलिए शराब बहुत खराब चीज है।
हाल ही में भारत के आकांक्षी जिलों में झारखंड के कितने आकांक्षी जिलों का प्रदर्शन जो है वो बेहतर पाया गया है। तो आकांक्षी जिलों की जब भी बात करते हैं, नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किया जाता है आकांक्षी जिलों की सूची, और इसमें भारत के आकांक्षी जिलों में चार जो है झारखंड के आकांक्षी जिलों की स्थिति बेहतर पाई गई है। ये चार जिले कौन कौन से हैं? साहिबगंज, पलामू, बोकारो और वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, इन चार जिलों का जो प्रदर्शन है आकांक्षी जिलों में बेहतर पाया गया है। ठीक है, चलिए, नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिलों की जो सूची है वो जारी की जाती है। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, 1 जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग का स्थापना जो है वो किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर डिफरेंस क्या है नीति आयोग में और प्लानिंग कमीशन में, तो मेजर डिफरेंस ये है कि प्लानिंग कमीशन जो था उसमें भारत के कोई भी मुख्यमंत्री मेंबर नहीं हुआ करते थे, लेकिन नीति आयोग में भारत के मुख्यमंत्री जो है वो क्या करते हैं, मेंबर होते हैं। भारत में जितने भी सारे मुख्यमंत्री हैं वो लोग नीति आयोग के मेंबर होते हैं। अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, क्या ये भी नीति आयोग के मेंबर हैं? तो हाँ, ये भी नीति आयोग के मेंबर हैं। भारत में जितने भी सारे मुख्यमंत्री हैं वो सभी लोग नीति आयोग के मेंबर होते हैं। अगर नीति आयोग के चेयरमैन की बात करेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। ठीक है, चलिए, झारखंड के किस जिले में मिलेट महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो खूंटी में। कहां पे? खूंटी में मिलेट महोत्सव का आयोजन किया गया था। मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए खूंटी में 27 और 28 अप्रैल को मिलेट महोत्सव का आयोजन किया गया था, और वर्ष 2023 को भारत सरकार के द्वारा मिलेट वर्ष भी घोषित जो है वो किया गया है। ठीक है, तो लगातार सभी सरकार के द्वारा मिलेट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष जो है वो घोषित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए, खूंटी, तो ये आप झारखंड के मैप में खूंटी को देख सकते हैं। खूंटी, जिसे मुंडाओं की धरती कहते हैं, भगवान बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, इन दोनों का जन्म ही खूंटी जिले में हुआ है, इसीलिए इसे मुंडाओं की धरती जो है वो कहते हैं। 12 सितंबर 2007 में खूंटी जिले की स्थापना जो है वो की गई थी। ठीक है, चलिए आगे आइए, बात करते हैं, हाल ही में हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल वुमेन आर्चरी चैंपियनशिप में झारखंड के कितने खिलाड़ियों ने पदक जो है वो प्राप्त किए हैं? तो हरियाणा में आयोजित किया गया था। हरियाणा में कहां पे? हरियाणा के सोनीपत में। आई होप तो आपको याद होगा, आपको इसके बारे में बताया गया था। हरियाणा के सोनीपत में खेलो इंडिया नेशनल वुमेन आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के दो खिलाड़ियों ने मेडल यानी पदक जो है वो प्राप्त किए हैं। ठीक है, झारखंड की दीप्ति कुमारी और अंकिता। दीप्ति कुमारी रांची की रहने वाली है और अंकिता जमशेदपुर की रहने वाली है। ठीक है, और बात करेंगे दीप्ति की, इन्होंने गोल्ड मेडल और अंकिता ने सिल्वर मेडल जो है वो प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, दीप्ति और अंकिता। ठीक है, तो दीप्ति और अंकिता दोनों ने जो है मेडल प्राप्त किया है। हरियाणा के सोनीपत में इसका आयोजन जो है वो किया गया था। ठीक है, चलिए, आई होप सो कि आपको इसके बारे में अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, और देखिए, आपसे ये क्वेश्चन कल पूछा गया था, हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के प्रोफेसर को बेस्ट टीचर अवार्ड 2023 जो है वो दिया गया है? तो बेस्ट टीचर अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? रांची यूनिवर्सिटी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है रीता कुमारी। ठीक है, और रीता कुमारी को ही बेस्ट टीचर अवार्ड 2023 का जो पुरस्कार है वो दिया गया है, और इस पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर किन्होंने दिया है। तो आप देख सकते हैं कमलेश जी है, और कमलेश जी का आंसर जो है अब तक सबसे अच्छा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कमलेश जी ने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर जो रहा है वो कमलेश जी का रहा है।
ठीक है। और चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा 5 छात्रों को बीटेक की निःशुल्क पढ़ाई जो है वो कराई जाएगी। तो झारखंड के कौन से शिक्षण संस्थान के द्वारा 5 छात्रों को बीटेक की जो निःशुल्क पढ़ाई है वो कराई जाएगी। जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और उसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।